फाइनली हम लोग रानी कमलापति स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो गाइस देखो, मेरे पास पूरा सामान रखा हुआ है, पूरा बैग मैंने टांगा हुआ है और ये हाथ में मेरा बैग है। और चलो चलते हैं। तो आंटी बची कितने करते हैं, ट्रेन आ रही है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर। तो पान वान थूका नहीं दिखा, जो अपन स्टेशन में मेनली देखा जाता है। तो ये प्राइवेट रेलवे स्टेशन है तो उसको बहुत ज़्यादा क्लीन रखा है। सॉरी मेरी बात गलत हो गई, ये इंडिया भाई नहीं सुधरेगा। एक्चुअल में वही कि जो मेरा कैमरा और जो मेरा गुरला पॉड है, मैंने जो विपुल से लिया है, तो ऑल थैंक्स टू विपुल भाई जो हमारे मोटो ब्लॉगर हैं, तो उन्होंने मुझे अपना गुरला पॉड दे दिया क्योंकि मेरा गुम गया था। कि प्रणय भाई मेरा गुरला पॉड और मेरा कैमरा लेकर आ रहे हैं जस्ट बाहर स्टेशन के। प्रणय भाई आ चुके हैं वहाँ पर सामने, हमारा कैमरा बैग लेकर और मेरा गुरला पॉड और मेरा चार्जर, मेरा सब सामान लेकर आ चुके हैं जिससे मैं अपना स्ट्रीट फोटोग्राफी करने वाला हूँ। तो मेरी नज़र अभी एक तरफ ऊपर तरफ गई, तो ये देखो कितना शानदार लग रहा है हमारा तिरंगा। ये फेल हो गया कार्यक्रम। तो थैंक यू भाई, इसमें कैमरा है, ओके, गोरिल्ला पॉड हो गया, चार्जर है, बैटरी है, एक ही बैटरी है, ओके, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को मेरा कैमरा बैग और उस गोरिल्ला पॉड सब मिल गया, तो अपन बहुत अच्छे से मथुरा वृंदावन के साथ स्ट्रीट फोटोग्राफी करने वाले हैं। और व्लॉग तो आप कंटिन्यू दे रहे, लाइक नहीं हो तो लाइक कर देना पहले व्लॉग कर। मास्क नहीं पहना इसने, जूते पड़ेंगे आज, नहीं तो जाते थे एक लात पड़ गई है एक और इधर लात पड़ गई है, जाना ठीक है। चलो थैंक यू भाई, बाय बाय, और कोई दिक्कत तो फोन लगा देना। हाँ तो चलो प्रणय भाई मिलते हैं बाद में, बाय बाय, आराम से आएंगे, थैंक यू। चलो निकल चलते हैं, मैं हमारा कैमरा बैग मिल चुका है, तो ज़बरदस्त फोटो आने वाली है। तुम पे पहुँचते हमारी ट्रेन आने वाली है। चलो सामने की तरफ हम लोग की ट्रेन का नंबर और जो डब्बों का नंबर है S7 हमारा, तो वो डिस्प्ले हो चुका है यहाँ पर। भाई हमारा डब्बा S7 आ चुका है, तो चलो चढ़ते हैं, यही S7, चलो उतरने दो लोगों को, पहले उतरने दो फिर चढ़ना, अभी रुकेगी आराम से। ये बीना स्टेशन आया था, तो बीना स्टेशन से गाड़ी अभी निकल चुकी है। फोटो भाई, गुनगुन जी भाई, विपुल भाई, हम लोग बैठ के यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ से ट्रेन निकल चुकी है स्टेशन से। देखो हमारा लड़का खाना खाना आपको लगेगा, मक्खन बिरयानी, समोसे गरम। सो भाई हमारा लड़का ट्रेन में रह गया, सब कुछ सीख गया है। हाँ तो भाई देखो, रात के 11 बज रहे हैं, हम लोग को चैन नहीं पड़ रही, डांस कर रहे हैं लोग। यार देखो यार, लाइट चालू करके रखी, लोगों ने सोने नहीं दे रहे हैं लोग हमको, यार सोने नहीं दे रहे लोग। 11 बज रहा है, सीरियसली 11 बज रहा है। 1 बजे हम लोग स्टेशन पर पहुंच जाएंगे मथुरा, तो 1 बजे हम लोग यानी उतर जाएंगे स्टेशन पर। और ये लोग तो सोच रहा हूँ कि 1 घंटे के लिए नींद लग जाए, लेकिन लगने नहीं देने वाले यार, क्या करना। चलो गाइस, मथुरा आ चुका है, फाइनली हम मथुरा स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब हम जाने वाले हैं रेस्ट रूम में। सो गाइस मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में सीन अभी थोड़ा गड़बड़ा गया है, गड़बड़ा ऐसा गया है, स्लीपर कोच का जो हमारा टिकट था, तो यहीं पर जो वेटिंग रूम होता है जहाँ पर हम वेट कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, और फुल इस कदर है कि भाई लोग अब बेंच के पास सोए हुए हैं, हमारे बैठने तक की जगह नहीं थी, इसलिए हम लोग उतनी ठंड। स्टेशन की सबसे बड़ी दिक्कत है, एक घंटे पहले मेरी नींद लग गई थी बेंच पर, मैं सो गया था। यहाँ 4:06 हो रहा है। सीन यहाँ पर ऐसा है कि ठंड यहाँ पर बढ़ चुकी है, तो हम लोगों ने क्या करा है, जो ब्लैंकेट्स हम लोगों ने ओढ़ लिए हैं, और देन हम लोग स्टेशन के बाहर जाने वाले हैं। सुबह 4 बजे यहाँ पर दुकानें ऐसा खुलना चालू जाती है, तो चलो आओ एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि सुबह हमें कुछ खाने को, नाश्ते मिलता है नहीं मिलता। वैसे मैं लोगों को भूख लगाई बहुत जम के, तो मिलेगा क्या लगता है, मिलेगा, मिल जाएगा। चलो ढूंढते और कुछ अच्छा था, कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला हम लोग बाहर निकला है रोड पर घूमने के लिए, तो बहुत कोहरा ही कोहरा। सो बोल भूत लग रहा है भाई, चलता फिरता भूत लग रहा है। तो गाइस सुबह सुबह हम लोग को गर्मा गर्म कचौड़ी और सब्जी मिली, आलू, यहाँ बहुत गर्म है, मेरा हाथ गर्म जल रहा है, तो पहले मैं इसको खाता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। गाड़ी हम लोगों ने बुक कर ली है 2 दिन के लिए, तो तूफान गाड़ी बुक करी, तो सारी फैमिली हमारी बैठकर इसमें पूरा ट्रैवल करेंगे और सब कुछ घूमेंगे। हम लोग बैठकर एक धर्मशाला में गए थे, और देन हम वहाँ पर नहाए धोए रेडी हो गए पूरे प्रॉपर, अपना कैमरा अपने ले लिया स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए। हम लोग आए हैं इस वक्त अब निधिवन में,
तो बंदर आपका फोन, चश्मा और आपका टोपा तक खींच के ले जाते हैं यहाँ से। तो इस चीज़ को मुझे ध्यान रखना है कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मेरा फोन कोई बंदर ना ले जाए। तो गाइज हम लोग निधिवन आ चुके हैं। सो गाइज पूरी फैमिली है, ये एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, भगवानों से आशीर्वाद लिया जा रहा है, पंडित जी पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलो आगे चलते हैं, और यहाँ पर मुझे एक बंदर दिख रहा है, लेकिन ये अच्छा करा है लोगों की सेफ्टी के लिए कि बंदर पहले आके फ़ोन झपट लेते थे और फ़ोन छीन लेते थे, लेकिन ये अच्छा सेफ्टी हो गई एक तरीके से। यहाँ पर मंदिर है, चलो वो दर्शन करते हैं। तो गाइस ये कुंड है, मैं आपको दिखा नहीं उधर साइड से, तो मैं आपको इधर साइड से दिखा देता हूँ। निधिवन से हम डायरेक्ट यहाँ पर आ गए हैं, ये कांच का मंदिर। तो गाइस ये पूरा कांच का मंदिर है, यानी इसको कांच के जो पीसेस होते हैं छोटे छोटे पीसेस डेकोरेट करा गया है कांच के मंदिर को। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें पूरे कांच के पीसेस हैं, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग कलर के पीसेस हैं, तो इसको पूरा कांच के पीसेस से डेको करा गया है। तो सब कांच के पीसेस हैं यहाँ पर। तो गाइस कुछ इस प्रकार है ये कांच का मंदिर। चुके हैं बरसाना में, और यहाँ पर अब घूमने के लिए आए हुए हैं, तो बारिश हो रही है और ठंड बहुत जम के पड़ रही है। ऊपर आप मंदिर देख पा रहे हो वहाँ पर, तो हमें वहाँ पर जाना है अभी। तो यहाँ से पैदल रास्ता चल के जाने के लिए तो थोड़ा ऊपर चलना पड़ेगा, तो सीढ़ियाँ भी हैं, रास्ता भी है, दोनों हैं। तो वो देखो सामने गर्मा गर्म चीज़ें, यानी खाने की बहुत सारी गर्मा गर्म वैराइटियाँ निकल रही हैं यहाँ पर भी। ये देखो आलू, सबका हमारे ग्रुप वालों का, इन सबका भाई फोटोशूट सेशन अभी खत्म ही नहीं हो रहा, इनके रील्स लोगों बन रहे हैं। चलो देखो विपुल भाई डीओपी हमारे, और ये सामने एक्ट्रेस डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, हाँ डीओपी हमारे। चलो ये दर्शन कर लिए अपने राधा रानी जी के। गाइस हम लोग अभी मानसी गंगा पर हैं, को ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया, क्यों? क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। तो ये लोटस टेंपल बोलते हैं इसको, तो लोटस का शेप दिया है इसको पूरा, ऊपर से अंदर राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, यहीं से आप देख लो। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं प्रेम मंदिर। लाइटिंग चेंज होती रहती है, यानी जो पूरी थीम है ना, जैसा पीछे देखोगे ना कलर अब चेंज हो जाएगा इसका, यानी कुछ सेकंडों के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखो येलो था, येलो से नियॉन हुआ, नियॉन से ग्रीन, और इसके कलर चेंज होते रहेंगे। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना। ये मेरे इंस्टाग्राम की लिंक्स आ रही हैं, मतलब यूज़र नेम्स, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे इंस्टाग्राम हैंडल्स के। और आने वाली वीडियो धमाकेदार होने वाली है, और नेक्स्ट वीडियो में और भी हम टेम्पल एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय बाय।